अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी सब अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा। आज मैंने पूरे घर का सफाया कर दिया, यानी कि आज मैंने बहुत ज़्यादा सफाई करी है। कंटेनर वगैरह घर के काफ़ी गंदे हो गए थे, घर के टाइल्स वॉश करे, कंटेनर वॉश करे। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 9 और यहाँ पर मैं अपने मियाँ जी के लिए ब्रेड अंडा रेडी कर रही हूँ। इस तरह से हाफ़ फ्राई अंडा ब्रेड के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और इसकी जो पीलक है, कुछ लोग इसको फ्राई नहीं करते हैं प्रॉपरली, कच्ची ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं इस तरह की कच्ची पीलक खा लूँ तो मुझे उल्टी हो जाती है। इसको मैं प्रॉपरली अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। पैन में मैंने पहले ब्रेड को घी में अच्छे से सेक लिया, उसके बाद इसी पैन में मैंने अंडे को फ्राई करके अपने मियाँ जी को दे दिया है और ये खा करके ऑफिस निकल गए हैं। यहाँ पर हुजैफा हुमेरा दूध पीकर फारिग हो गए हैं। इन लोगों को भी मैंने टोस्ट दे दिया है। ब्रेड को मैंने पैन के ऊपर हल्का सा सेक कर इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करके इन लोगों को दे दिया है। ये लोग बहुत ही मज़े से इसको खा लेते हैं। जैम लगा दो या फिर ये चॉकलेट स्प्रेड लगा दो, ये दोनों ही इन लोगों को बहुत पसंद है। पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग खाने में काफ़ी नाटक कर रहे थे, तो अभी मैं बैठ गई हूँ इन लोगों को हाथों से ही खिला कर, फिर मैं अपने बाकी का काम करूँगी। कैसा लगा? वाह 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 वाह, टोस्ट कैसा लगा? टोस्ट चॉकलेट टोस्ट यम्मी यम्मी। यू लाइक इट? लाइक इट यस 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 सक्सेस यस सक्सेस केस नहीं, यस 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 मामा को कह दो, मामा थैंक यू। मामा ने दी थी ना ब्रेड, यम्मी ब्रेड थी ना, यम्मी ब्रेड। हाँ यम्मी ब्रेड। मामा से कह दो थैंक यू मामा। थैंक यू मामा। थैंक यू मामा। मामी थैंक यू मामा। टोस्ट यम्मी आगी यम्मी। थैंक यू मामा। थैंक यू मामा। तो बस इन लोगों को थोड़ा बहुत खिला कर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने आटा गूंद कर रख दिया था। अब मैं एक बार और इसको अच्छी तरह से नीट कर लूँगी। 15 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग पर रख दो तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। वैसे आटा मैं एक दिन पहले ही गूंद करके रख देती हूँ, लेकिन कल हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, कुछ काम में बिज़ी थे, इसीलिए मैं आटा गूंद कर नहीं रख पाई हूँ। आटा गूंद कर इसको मैं इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देती हूँ, जिससे इसके ऊपर पपड़ी नहीं बनती है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सेट हो जाएगा। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देने से आटा जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जिससे कि रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। और आटे को मैं फ्रिज के ठंडे पानी से गूंदती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, 2 से 3 दिन ये चल जाता है। मैं इसी रखे हुए आटे की ही रोटी बनाती हूँ। तो जब तक आटा फ्रिज में रखा हुआ है, तब तक मैं झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह बाकी के काम निपटा लूँगी।
आज मैं बच्चों के लिए भिंडी बना रही हूँ। भिंडी को मैंने वॉश कर लिया है, अब इसको मैं कट कर लूंगी। अब इधर मैं आ गई हूँ झाड़ू देने के लिए। एक दो रोज में ही मैं दीवारों पर भी जो कचरा वगैरह लग रहा होता है या जाले वगैरह लग जाते हैं उसको क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि दीवारें ज्यादा गंदी नहीं हो पाती हैं। रोटी पकाकर मैंने भिंडी पका दी है बच्चों के लिए। अब यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर खाली कर लिए हैं। ये जो दालें वगैरह हैं इसको मैं थोड़ी धूप दिखा दूंगी, जिससे इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। फ्रिज की सारी बॉटल्स भी धोकर क्लीन कर दी हैं मैंने। बारिश में अगर टाइम टाइम से अनाज को धूप दिखा दो तो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। दालों के मसालों के कंटेनर जितने भी थे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। फ्रिज के अंदर बाहर का भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। पैकेट्स के ऊपर इस तरह से क्लिप लगाकर रखने से चीजें गिरती नहीं है और साथ ही इसमें नमी नहीं आती है। और बारिशों में तो वैसे भी हर चीज में हवा लगते ही नमी पड़ जाती है। अब मसालों का जो ये कंटेनर है इसमें मैं हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा वगैरह ऐड कर दूंगी, इसको फिल कर दूंगी मसालों से। बाकी के जो ये दो कंटेनर बच गए हैं इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च रखूंगी। इधर मैंने बाथरूम के टाइल्स भी साफ़ कर दिए हैं, बेसिन भी साफ़ कर दी है। आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन लग रहा है घर। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। यहाँ पर मैंने अपने तीनों बच्चों को नहला दिया है, अब मैं इन लोगों के नेल्स कट कर दूंगी। हर फ्राइडे के फ्राइडे यानी कि हर हफ्ते मैं अपने तीनों बच्चों के नेल्स कट कर लेती हूँ और इन तीनों के साथ में ही मैं अपने भी नेल्स कट कर लेती हूँ। और पैरों के नेल्स मैं एक हफ्ता छोड़कर कट करती हूँ, तो पिछले हफ्ते मैंने कट नहीं करे थे, इस हफ्ते मैं पैरों के भी नेल्स कट करूँगी। और नेल्स मैं सुन्नत तरीके से ही कट करती हूँ तो सुन्नत भी अदा हो जाती है और साथ ही नेल्स भी कट जाते हैं। तो हुज़ैफ़ा के मैं अब कट कर रही हूँ, हुमैरा के मैंने कट कर दिए हैं। पूरे काम से फारिग होने के बाद अब यहाँ पर खाने का टाइम हो गया है, तो मेरा कुछ चाह रहा था मीठे खाने का दिल, तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंटली शाही पीस बनाकर रेडी करे हैं। मैं इसको शाही पीस बोलती हूँ, वैसे इसको शाही टुकड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को हल्का सा सेक लिया है घी में। वैसे तो इसको डीप फ्राई करा जाता है तेल में या घी में, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से हल्का सा सेक करके बनाती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने सभी ब्रेड को सेक लिया है हल्का सा घी में। मैं यहाँ पर फ्रूट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं उबलते हुए शुगर सिरप में डाल कर निकाल लूँगी। शुगर सिरप के लिए मैंने 1.5 कप शक्कर ली थी और 1.5 कप ही मैंने पानी लिया था। इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल करके हल्की स्टिकी फॉर्म में आ जाने तक मैंने इसको पकाकर इसमें ब्रेड के स्लाइसेस को डिप करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंट वाला मीठा बिल्कुल रेडी है। आज लंच में मैंने ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाया है क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी सफाई करने में। तो लंच में आज मैंने बस दाल, चावल, कीमे के पकोड़े और ये इंस्टेंट मीठा बनाया है, और साथ ही थोड़ी सी मैंने भिंडियाँ बना ली थी बच्चों के लिए। लंच वगैरह से फारिग होने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम में। ये लोग 15-1 मिनट मस्ती करेंगे, उसके बाद थक कर सो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59
लिया है, 3 बज रहे हैं और इन लोगों को कुछ स्नैक चाहिए, तो मैं इन लोगों को कुछ स्नैक देने जा रही हूँ जिसमें मैंने एप्पल कट कर लिया है। स्नैक्स में मैंने आज इन लोगों को कुछ स्पेशल बनाकर नहीं दिया है क्योंकि मैं काफी थक चुकी थी, इसीलिए घर में जो रखा था बस वो ही मैंने इन लोगों को दे दिया है। वेफर्स रख दिए हैं, इसी के साथ पार्ले जी बिस्किट का पैकेट रख दिया है। पार्ले जी बिस्किट, वेफर, ये सभी चीजें हम लोग डी मार्ट से लाए थे और ये लोग इतने शौक से ये चीजें खाते हैं और आप देख सकते हैं सभी चीजें एंड हो चुकी हैं। यहाँ पर शाम के 6 बज रहे हैं, मियाँ जी घर पर आ गए हैं। हुजैफा अपने अब्बा के साथ बैठकर मस्ती कर रहे हैं। हुजैफा यहाँ पर बोल रहे थे मैं अब्बा की चंपी करूंगा, तो बस ये चंपी कर रहे हैं बैठकर। तो बस अब हो गई है रात और रात में मैंने ये बिरयानी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी मिल जाएगी। खाने वगैरह से फारिग होकर ये लोग थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग दूध पियेंगे, टूथब्रश करेंगे, उसके बाद सोने के लिए चले जाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम में, 10-15 मिनट ये लोग मस्ती करेंगे, उसके बाद थक करके सो जाएंगे। मामी चट टट टट टट, अरे यार ऐसे करो ना, जा वहां खड़े हो। मामी चट टट टट, अब ऐसे वाला, अब ऐसे वाला।
और शीना को दो शीना वन हम वो भी बड़ी है वन टू चलो अल्लाह मैंने आऊज़ बिस्मिल्लाह तो बस इसी के साथ आज का ये मज़ेदार सा व्लॉग यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ व्लॉग्स वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ व्लॉग्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.